फाइनली आ चुके मास समाजा आदित्य विक्रम की सिंगम अगेन एंड साथ में कार्तिकरण के बोल प्लेयर 3 के कोने एपिसोड में वापस। तो आज थर्ड आप संडे चल रहा है भाई, देखेंगे क्या नंबर अप आ सकता है एंड मॉर्निंग शो में कंपैरिजन टू सैटरडे हमें कितना बड़ा यूज जंप है वो देखने को मिल रहा है। देखो अभी एक से ज़्यादा टाइम हो चुका है बट अभी जो मैं नंबर शेयर करने वाला हूँ वो 12 बजे के आसपास है एंड ये एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन नंबर है वो रहने वाले हैं। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कितना बड़ा हमें यूज जंप है वो देखने को मिल रहा है। बट मैंने बुक माई शो देखा भाई, बड़ा जंप है कंपैरिजन टू यस्टरडे, 5 से लेकर 6 हज़ार के आसपास समथिंग अराउंड टिकट्स हमें सोल्ड आउट देखने को मिल रहे हैं सिंगम अगेन के। बट बात करें बोल प्लेयर 3 भाई, ये तो टोटली आप ब्लास्ट है भाई, आज 9 से लेकर 10 हज़ार के बीच में टिकट सोल्ड आउट देखने को मिल रहे हैं पर हावर, बड़ा जंप है। और आज बुक माई शो तो है ही है, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट बोल प्लेयर 3 कंपेरिजन टू सैटरडे हमें बड़ा जंप है वो देखने को मिल रहा है। आफ्टरनून इवनिंग के शोज काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो रहने वाले हैं। चलो 12 बजे तक भाई नंबर आपको देख लेते हैं एंड दोनों फिल्मों का कौन सी कहाँ पे आगे चल रही है एंड सबसे पहले सिंगम की बात करेंगे एंड कंपैरिजन करेंगे यस्टरडे के साथ, लास्ट में कार्तिक आर्यन की बुल भैया 3 की बात अब करने वाले हैं। तो नंबर 1 महाराष्ट्र 112 शोज एंड 6.62 लाख बिजनेस एंड 16% ऑक्युपेंसी एंड यस्टरडे सेम टाइमिंग 12 बजे तक 3.95 लाख कलेक्शन कंपैरिजन टू यस्टरडे। तो भाई कहना होगा कि हमें अच्छा खासा जंप है वो देखने को मिला है महाराष्ट्र के अंदर भाई, सेम टाइमिंग कार्तिक आर्यन के बोल भैया 3 12 बजे तक ओनली महाराष्ट्र 7.80 लाख भाई, यहाँ पे तो सिंगम अगेन से भी आगे चल रही है, वो भी अच्छा खासा भाई गैप है वो दी है। नाउ मूव टू गुजरात 114 शोज एंड 2.52 लाख कलेक्शन एंड 7% ऑक्युपेंसी जो कि यस्टरडे सेम टाइमिंग 1.37 लाख। ठीक है, जो हमें एक्सपेक्ट था कि इतना कुछ जंप है वो आ सकता है तो मॉर्निंग शो में ऐसा हमें देखने को मिला भी है एंड गुजरात के अंदर सेम टाइमिंग बुल भैया 3 1.97 लाख है। गुजरात के अंदर भाई सिंगम अगेन है वो डोमिनेट किया है भाई उसने मॉर्निंग वाले शोज में, इवन कल की बात करें कल भी सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया था। नाउ मूव टू दिल्ली 82 शोज एंड 2.27 लाख बिजनेस एंड 7% ऑक्युपेंसी सिंगम अगेन एंड यस्टरडे सेम टाइमिंग 1.75 लाख। ठीक है, थोड़ा कम जंप है बट दिल्ली भाई शुरू से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो नहीं गए एंड सेम टाइमिंग बुल भैया 3 है 4.45 लाख। बोल भैया 3 भाई दिल्ली सिंगम अगेन कहीं पे भी नहीं है, वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है बोल भैया 3 आज के दिन भी। एंड नेक्स्ट वेस्ट बंगाल लगभग 91,400 प्लस बिजनेस है 27 शोज एंड 9% ऑक्युपेंसी आज एंड यस्टरडे 38,500 प्लस भाई, वेस्ट बंगाल में हमें 2 गुना से भी ज़्यादा जंप है वो देखने को मिला है सिंगम अगेन एंड सेम टाइमिंग भाई बोल भैया 3 1.84 लाख भाई। बूब लिया 3 शुरू से ही वेस्ट बंगाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आज भी काफ़ी बढ़िया हमें नंबर वो देखने को मिल रहा है कंपैरिजन टू सिंगम अगेन, हाँ कंपैरिजन टू यस्टरडे सिंगम अगेन काफ़ी बढ़िया हमें जंप है वो देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं कि ओवरऑल नंबर में भी अच्छा खासा हमें जंप है वो देखने को मिलेगा। नाउ मूव टू राजस्थान 28 शोज 10% ऑक्युपेंसी 87,590 प्लस नंबर एंड यस्टरडे 43,000 विच मीन्स की राजस्थान कंपैरिजन टू यस्टरडे हमें डबल जंप है वो देखने को मिला है एंड 1.60 लाख सेम टाइमिंग बुल भैया 3 एंड बुल भैया 3 ओनली गुजरात को हम छोड़ दें तो हर एक प्लेस में कंपैरिजन टू सिंगम अगेन बाई डोमिनेट किया है एंड आगे चल रही है। नेक्स्ट एम पी 85,180 नंबर है 20% डॉक्यूमेंट्सी यहाँ पे 1 लाख प्लस नंबर है बोल भैया 3 एंड यूपी लगभग 40 शोज एंड 55,742 प्लस नंबर है एंड 5% ओवरऑल ऑक्युपेंसी एंड यस्टरडे 44,830 प्लस नंबर। तो यार यूपी के अंदर कल के मुकाबले आज हमें जंप है वो देखने को मिला है सिंगम अगेन एंड सेम टाइमिंग बाई सिंगम अगेन सॉरी सिंगम अगेन बता दिया बोल भैया 3 1.85 लाख डबल से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा बिजनेस किया है यूपी के अंदर आज के दिन भाई सिंगम अगेन। उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट भाई घुटने टेक दिए हैं, ओपनिंग वीकेंड मामला स्ट्रॉन्ग था बट अभी नहीं दिख रहा है आज के दिन, अभी मामला हज़ारों में चल रहा है एंड बोल भैया 3 नियरली 2 लाख के आसपास है वो आने वाली है। एंड नेक्स्ट भाई असम की बात करें तो लगभग 36,000 प्लस नंबर है अभी एंड बोल भैया 3 50,000 समथिंग अराउंड, ये कुछ भाई अब तक का लेखा जोखा है एंड कंपैरिजन टू यस्टरडे सिंगम अगेन नियरली 35-40% हमें जंप देखने को मिला है मॉर्निंग शोज एंड सिंगम अगेन और बोल भैया 3 मॉर्निंग शोज
लगभग भूल भैया 3 50% बेहतर परफॉर्म है वो कर रही है, तो काफ़ी बढ़िया भाई शुरुआत मिली है। अगर यही 50% आफ्टरनून इवनिंग नाइट तक रहा तो आज भाई भूल भैया 3 वो काफ़ी आगे हैं, वो जाने वाली है। एंड बात करें भाई कर्नाटका, कर्नाटका भाई अलग से बात है, वो करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ शोज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यह सब ये सामने ही है। बेंगलोर दोनों की बात करें, सिंगम अगेन हो या फिर भूल भैया 3 क्यों ना हो, ऑरेंज 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 एंड सम शोज आपको भाई ब्लैक एंड वाइट है वो दिखने वाले हैं, विच मीन्स के टोटली आप हाउसफुल। एंड बेंगलोर भाई ये तो अलग ही दुनिया में चल रहा है। एंड अब तक की बात करें 12 बजे तक लगभग 13 शोज में सिंगम अगेन 199 प्लस फुटफॉल्स के साथ 55,550 प्लस वाइज बिजनेस है वो की है, सिर्फ ये एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन हम नंबर है वो शेयर कर रहे हैं। वही सेम टाइमिंग भूल भैया 3 594 प्लस वाइज फुटफॉल्स, एक 200 एंड दूसरी भाई नियरली 600 के आसपास, काफ़ी बढ़िया। एंड 131,770 प्लस बाई नंबर है एंड 30% ओवरऑल ऑक्युपेंसी, ये मॉर्निंग शोज गए हैं कर्नाटका के अंदर। अब तक की बात करें दोनों फिल्मों की, देखो भूल भैया 3 के पास थोड़े से शोज ज़्यादा है एंड सिंगम अगेन के पास थोड़े से कम शोज है, बट ओवरऑल ऑक्युपेंसी देखोगे काफ़ी बढ़िया निकल के सामने आई है। एंड अभी इवनिंग नाइट के शोज हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा भाई स्ट्रॉन्ग नज़र है वो आ रहे हैं। एंड ये कुछ भाई अब तक का 12 बजे तक का भाई स्टेटस है। एंड ओवरऑल कंपैरिजन टू यस्टरडे जैसे मैंने आपको बता दिया कि 40% हमें जंप देखने को मिला है सिंगम अगेन एंड भूल भैया 3 भाई ऑलमोस्ट हमें 50 से भी ज़्यादा देखने को मिला है, तो काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिलता है वो देखा ही है वो दे रहा है। एंड दोनों के बीच में लगभग 50% बेहतर परफॉर्म कर रही है यहाँ पे भूल भैया 3 कंपैरिजन टू सिंगम अगेन। अब देखते हैं इवनिंग नाइट शोज भाई सभी की नजर है वो रहने वाली है, नाइट चलो थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा बट मेन इंपॉर्टेंट इवनिंग शोज हमें किस तरह देखने को मिलते हैं, तो आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आगे होगा। बाकी डिवाइस एडवांस बुकिंग डिवाइस कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा, तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।